दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वकील क्या है, वकील बनने की योजना क्या होनी चाहिए और वकील की सैलरी कितनी होती है। तो आज हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे इन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हर समाज के लोगों के लिए न्याय बहुत ही जरूरी है। सभी लोगों को समान अधिकार दिलाने में न्याय बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी न्यायिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। हमारे देश में 3 स्तर के कोर्ट है। इस न्याय व्यवस्था को बनाने में सबसे अहम भूमिका होती है वकीलों की। यह लोग हमें न्याय दिलाने में मदद करते हैं। आज बहुत से युवा वकील बनना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वह वकील बनकर समाज में न्यायिक व्यवस्थाओं को बनाए रखे और अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाए। तो वकील क्या है? दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि वकील हमारे लिए न्यायालय में न्याय के लिए लड़ता है। वह न्यायालय में हमारे पक्ष के दलीलों को जज साहब के सामने रखता है। आसान शब्दों में समझे तो वकील का काम होता है कि वह लोगों को न्याय दिलाए। दोस्तों वकील 2 तरह के होते हैं, एक सरकारी वकील यानी कि गवर्नमेंट एडवोकेट तथा दूसरा प्राइवेट वकील यानी कि प्राइवेट एडवोकेट होते हैं। सरकारी वकील का काम होता है कि वह कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि अगर किसी को अपराध करते हुए पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस उस पर FIR करती है और फिर उसको कोर्ट में पेश करती है, और उस अपराधी के लिए भी एक वकील होता है और अपराधी के खिलाफ सरकार अपना खुद का एक वकील कोर्ट में भेजती है जो कि सरकार की तरफ से उस केस को लड़े और उस अपराधी को सजा दिलाए। सरकारी वकील सरकार की मदद करता है समाज में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने में। दोस्तों अब बात आती है प्राइवेट वकील पर। प्राइवेट वकील ऐसे वकील होते हैं जो कि किसी भी लोगों के लिए केस लड़ते हैं। अगर किसी 2 पक्ष में लड़ाई होती है या बात विवाद होता है और वह कोर्ट में जाते हैं न्याय के लिए, तो वह अपने वकील ढूंढते हैं और वह प्राइवेट वकील के पास जाते हैं जो कि उनकी दलीलों को जज के सामने पेश कर सके। प्राइवेट वकील लोगों को न्याय दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वकील बनने की योग्यता को। तो नंबर 1 पर आती है जनरल अवेयरनेस यानी कि अपने आसपास हो रही हर चीज़ की जानकारी रखना। एक्टिव लिसनिंग, किसी भी बात को सक्रिय होकर सुनना। टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग करना। जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग यानी कि सही समय पर सही फैसला लेना और लोगों को न्याय दिलाना। लॉजिकल एनालिटिकल, तार्किक और किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से विश्लेषण करना। क्रिटिकल थिंकिंग, मुश्किल समय में सही फैसला लेना। रिप्रेजेंटेटिव स्किल्स, दूसरों के सामने अपने आप को अच्छे से पेश करने का हुनर होना। मेमोराइजेशन पावर यानी कि अच्छी याद शक्ति होना। थिंकिंग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल यानी कि दूसरों को अच्छे से अपने विचार बताने का और लोगों से मेल जोल बढ़ाने का हुनर होना चाहिए। यह सब बातें आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप वकील बनना चाहते हैं। तो आइए अब विस्तार से यानी कि स्टेप वाइज जानते हैं कि वकील कैसे बने। दोस्तों वकील बनने के लिए आपको सबसे पहले वकालत करनी होती है। कानून की पढ़ाई को वकालत कहते हैं। दोस्तों LLB कोर्स में आपको वकालत की पढ़ाई कराई जाती है। LLB का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ होता है। दोस्तों LLB कोर्स के लिए आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें पहला आपको 5 साल का LLB प्रोग्राम है और दूसरा 3 साल का LLB प्रोग्राम है। आज हम इन दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। 5 ईयर्स LLB प्रोग्राम। दोस्तों 5 साल का LLB प्रोग्राम एक अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है। इस प्रोग्राम के द्वारा आप अपनी स्नातक की डिग्री वकालत में पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कई सारे कोर्स ऑप्शन भी मिलते हैं जिसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दोस्तों यह सारे प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो कि 12वीं के बाद ही वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने स्नातक की डिग्री भी वकालत में पाना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर 5 ईयर्स LLB प्रोग्राम की बात करें तो दोस्तों 5 साल के LLB कोर्स के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए कि आप 12वीं की परीक्षा किसी भी विषय से मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ पास करें। अंक प्रतिशत अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए बदलते रहते हैं। आप अपनी 12वीं में बहुत अच्छे अंक लाए ताकि आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। बहुत सारे कॉलेज में LLB कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देना होता है।
तभी जाकर आपका उस कॉलेज में दाखिला होता है। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर आपके 12वीं के अंकों के आधार पर ही एडमिशन मिल जाता है, यानी इस कोर्स के लिए आप प्रवेश परीक्षा और मेरिट दोनों के आधार पर दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों, 3 साल का LLB प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो कि ग्रेजुएशन के बाद वकालत करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से छात्र होते हैं जो किसी विषय से ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद वह चाहते हैं कि वह वकालत करें और वकील बने, इनके लिए ही यह प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी फॉर 3 ईयर्स LLB प्रोग्राम की बात करें तो 3 ईयर्स LLB प्रोग्राम के लिए आपको सबसे पहले किसी भी विषय से 12वीं की परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास करनी होती है। इसके बाद आपको किसी भी विषय से किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना होता है। इंजीनियरिंग कर रहे छात्र भी इस कोर्स को कर सकते हैं। टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इन परीक्षा को देकर भारत के सबसे अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और टॉप लॉ कॉलेज इन इंडिया की बात करें तो इनके बारे में भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र को इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटर्नशिप के जरिए ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है जो कुछ उन्होंने सीखा है। इस इंटर्नशिप में आप कोर्ट में 2 वकील कैसे वकालत करते हैं और कोर्ट कचहरी के काम को सीखते हैं। इंटर्नशिप करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन। स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को पास करना होता है। यह परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कराई जाती है। यह परीक्षा पास करने के बाद आपको वकालत में प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट दी जाती है। उसके बाद ही आप वकालत शुरू कर सकते हैं, तब जाकर आप वकील बनते हैं। दोस्तों, अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो सरकारी वकील बनने के लिए आपको कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए वकालत का, तभी जाकर आप सरकारी वकील बन सकते हैं। उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट की बात करें तो सरकारी वकील के लिए आपकी उम्र कम से कम 35 ईयर्स यानी कि 35 साल होनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में वकील कैसे बने यह जाना है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको वकील बनने से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो के संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।